एक गैर मुस्लिम है भाई और बहन, एक भाई वो वहां पे नजर आ रहे हैं मुझे, अगर उन तक माइक पहुंच सके। माशाल्लाह आप यहां महफूज है, आप गवर्नर हाउस में पाकिस्तान में गवर्नर हाउस में हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं सैटेलाइट के जरिए कि पाकिस्तान में भी गैर मुस्लिम महफूज है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाई, और सवाल पूछेगा? जी भाई, जी सवाल पूछिए आप। आपका नाम? मेरा नाम जावेद वजीर मसीह है। भाई साहब गैर मुस्लिम, और मैं मजाहब का तालिब इल्म हूं और आपका बहुत बड़ा फैन हूं, इसी तरह से मैं डॉक्टर इसरार अहमद साहब का भी फैन हूं। भाई साहब आप मुसलमान से बढ़कर, भाई साहब आप मुसलमान है गैर मुस्लिम है? जी मैं क्रिश्चियन हूं। जी हाँ जी, पूछ सकते हैं। मैं आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी बहुत बड़ा फैन और फॉलोअर हूं। मैं एक दो बात करना चाहता हूं। अगर हम सूरत मायदा में पढ़ते हैं तो उसमें जिक्र हुआ है कि जो नसारा है, जो मसीह है, ये ईमान में आपके बहुत करीब हैं। फिर उसके बाद मैं जिक्र करना चाहता हूं, जब आप पे बुरा वक्त आया, तौबा माजत के साथ मैं लफ्ज लेता हूं, तो आपको एक मसीह बादशाह ने बना दी। उसके बाद मैं ये देखता हूं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी जात में थे तो एक बेवा खातून थी जो आप रास्ते में से गुजरते थे तो आप पे वो कचरा फेंकती थी, लेकिन आप नीचे से देखते हुए मुस्कुरा के चले जाते थे। उसका क्या हुआ कि दो तीन दिन के बाद ये वाकया खत्म हो गया। उसके बाद आपने देखा कि ये क्यों नहीं हो रहा। जब आपने देखा कि वो बिस्तर बीमारी पे पड़ी हुई है और आपने जाकर उनकी तीमारदारी शुरू कर दी और आपने सवाल आ रहे हैं भाई, इनका क्यों कर रहे हो? मैं ये बात करना चाह रहा हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो रहमतुल आलमीन है। वो जब बेड़ा में देखा कि जिन्होंने मुझे भड़काया था वो तो कोई अब उनका पुरसाने हाल नहीं है, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी कौन मुकौन आखिरी नबी जो सरवर कायनात रहमतुल आलमीन है, वो उनकी तीमारदारी करते हैं, वो आपके इस अमल को देखकर बशर्फ इस्लाम हो गई। आज मैं अपने मुल्क में देखता हूं कि मुझे मसीह होते हुए यहां नफरत की निगाह से देखा जाता है। एक औरत जो कचरा फेंकती थी और वो कह रही थी आज इस मुल्क में मुसलमान उनको नफरत की निगाह से देखते, अपने अल्फाज इस्माइल की नफरत की निगाह से देखते हैं, तो क्यों? जब अल्लाह के रसूल रहमतुल आलमीन है तो मुसलमान नफरत की निगाह से क्यों देखते हैं? कुरान में अल्लाह सुभान व तआला फरमाते हैं सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 82 में कि मुसलमान के सबसे करीब वो लोग जो कहते हैं कि वो क्रिश्चियन हैं। ये कुरान की आयत है कि मुस्लिम से सबसे करीब वो लोग हैं जो लोग कहते हैं मैं नसारा हूं, आई एम अ क्रिश्चियन। ये कुरान की आयत है। और कुरान में एक तीसरा हिस्सा, 1/3 ऑफ द कुरान, वन थर्ड ऑफ द कुरान इज एड्रेस टू मुखातिब है अहले किताब, अहले किताब कहो अहले किताब से यहूद और नसारा से। तो एक तीसरा हिस्सा कुरान मजीद का तकरीबन अहले किताब से मुखातिब है। और आपका सवाल अल्लाह के रसूल रहमतुल्लाह अलैहि बेशक है कुरान की आयत है पर अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने उन्हें रहमतुल आलमीन रहमत बना के भेजा है सारे आलम के लिए, सारे इंसानियत के लिए। बेशक है उस पर कई किताब लिखी गई। अगर आपको मुसलमान नफरत से देखते हैं उसकी वजह जानना जरूरी है। मुसलमान तो दूसरे मुसलमान को नफरत से भी देखते नहीं, देखना चाहिए नहीं, देखना चाहिए। अगर वजह एकदम सही है
मैं नहीं जानता हूं क्यों देखते हैं। अगर मैं एक शख्स को देखूंगा जो एक लड़की को छेड़ रहा है तो मुझे भी उससे नफरत आएगी, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मसीह है। अब सुनिए ना, तो उस वक्त मुझे हिदायत दी गई है, अगर एक इंसान, एक खवातीन या कोई लड़की का बलात्कार कर रहा है या जिना बिल जबर कर रहा है तो रहमत क्या कहती है? अरे रहमत नहीं, क्या बोलेंगे? सलाम नहीं बोलेंगे आप उसको? क्या कहेंगे? अगर आप बलात्कार देख रहे हैं, जिना बिल जबर हो रहा है, आप क्या कहेंगे? मैं मुसलमान हूं, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के रसूल की हदीस है, अगर कोई बुरा चीज देखते हैं तो हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते तो जबान से रोको, जबान से नहीं रोक सकते तो दिल में कोसो। ये मिसाल दे रहा हूं मैं, मैंने कहता हूं कि बुरे इंसान है, मैंने कहता हूं कि आप गलत काम कर रहे, लेकिन अगर कोई मुसलमान, मैं आपको नफरत की नजर से देख रहा हूं जावेद भाई, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं जावेद भाई, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। ऑन द माइक्रोफोन, प्लीज ऑन द माइक्रोफोन। I love you too. खलास। तो आपकी जनरल स्टेटमेंट देना कि मुसलमान मुझसे नफरत करते हैं, मेरे लिए गाली हो रही ना? नो सर, माजरत, मेरे अकेले साथ नहीं, मेरे तो बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, बल्कि बहुत से माशाल्लाह माशाल्लाह। इज्तिमाई तौर पे कोई एक आदमी गलती करता है तो हमारे चर्चेस के ऊपर चढ़ाई हो जाती है, हमारे सामने हमारे ईमान की धज्जी उड़ाई जारी होती है और हम खामोशी से एक गिद्ध की तरह खड़े होकर देख रहे होते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं सिखाया गया है। मैं इस समय बात कर रहा हूं, अभी पिछले समय ये पूरा भाई साहब है, पूरा है भाई साहब, ये सवाल जवाब का सेशन है, तकरीर का सेशन नहीं है। तकरीर के सेशन के लिए आप एक हॉल हायर कर सकते हैं। आपका सवाल मैं अपने पूछे में जवाब दिया, अगर कोई शख्स बिना वजह आपसे नफरत करता है तो गलत है। और कुरान की तो आयत है, जितने भी गैर मुसलमान है सबसे करीब है तो नसारा है। अगर आप कुछ गलत काम किए और कोई नफरत करता है, वो भी कुरान की आयत है। कुरान की आयत है सूरा नंबर 41 आयत नंबर 34 सूरह फुसिलत चैप्टर 41 वर्स 34, अगर कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करता है उसका बदला अच्छा ही से लो। जावेद भाई, मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर कोई आपसे बुरा बर्ताव करता है तो कुरान फरमाते, अल्लाह ताला फरमाते, उनसे अच्छा बर्ताव करो। आपको क्या पता कि आपका दुश्मन आपका दोस्त बन जाएंगे? वो कौन जाएंगे? सिर्फ हुसनत कुरान 41 आयत नंबर 64। तो अगर कोई मुसलमान कुरान पे अमल नहीं करता है तो वो नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो गया। मतलब हर मुसलमान तो मैं नहीं कह सकता अच्छा है। और अगर कोई एक शख्स कोई गलती करता है, आप जैसा कहें कि पूरे कौम पे चढ़ाव करना बिल्कुल गलत है, इस्लाम में भी नहीं है। अगर कोई एक शख्स गलती करता है और वो सजा का हकदार है, उसको सजा मिलना चाहिए, उसका मतलब नहीं पूरी कौम। इनफैक्ट अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, आप तारीख पढ़ेंगे, आप तारीख में पढ़ो, चाहे वो 36 सदी की हो, 7वीं सदी की हो, 8वीं सदी की हो, आप देखेंगे सबसे महफूज अगर कोई जनरल दीन को फॉलो करने वो इस्लाम के रूल में, इस्लाम अगर रूल कर रहा है उस शहर को, तो जितने गैर मुस्लिम थे वो अपने आप को महफूज समझते थे। क्यों? इस्लाम में है कि आप इस्लाम को मेकअप नहीं कर पड़े, मेकअप में का नो प्रॉब्लम, एक जजिया दो, एक जजिया कुछ बढ़िया मान लिया, आपकी इनकम टैक्स से बहुत कम है। जजिया मतलब आप मानते हैं कि ठीक है आपको इस्लाम नहीं कबूल करने का, लेकिन मैं आपके अंदर पना चाहता हूं, तो जजिया टैक्स आप देते, आप कबूल करते, और जब जजिया टैक्स देते आपको प्रोटेक्शन मिलता है। इस्लाम में कहते हैं दिल्ली, और आप अगर इस्लामिक शरिया रूल के अंदर गैर मुस्लिम है तो मुसलमान मुल्क का फर्ज है कि आपको महफूज रखे, आपको कोई छू नहीं सकता है, और अगर जंग होता है तो आपको लड़ने की भी जरूरत नहीं, बाकी सब मुसलमान को लड़ना पड़ेगा, और जिज्ञा बहुत कम है।
इनकम टैक्स के तो स्मॉल परसेंटेज है। इसीलिए अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब सलाउद्दीन अय्यूबी ने कॉन्स्टेंटिनोपल पे हमला किया उस वक्त तो क्रिश्चियन थे, ईसाई मजहब में कई फिरके थे, ऑर्थोडॉक्स, प्रोटेस्टेंट्स, कैथलिक्स, खुद ईसाई लोग अपने बाकी ईसाई भाइयों से उनका कत्ल करते थे। और जब इंग्लैंड ने कॉन्कर किया कॉन्स्टेंटिनोपल को तो मुसलमानों पर जुल्म किया, तो जब सलाउद्दीन अय्यूबी ने कॉन्कर किया तो ईसाई लोग डरे, डर गए कि अभी तो हम लोग की मौत आ गई। तो उन्होंने कहा मैं सलाउद्दीन अय्यूबी हूं, मैं मुसलमान हूं, आप मेरे राज में महफूज है। और इतना हिस्ट्री पढ़ेंगे आप, क्रिश्चियन ईसाई चाहते थे कि सलाउद्दीन अय्यूबी रूल करे ताकि महफूज हो। आप हिस्ट्री पढ़िए, आज मुसलमान को देखते दिन को मत समझिए, कुरान को पढ़िए, हदीस को पढ़िए। और इसमें आप देखेंगे कि कुरान के अंदर किस तरीके से इज्जत दी है गैर मुसलमानों को, दावत दो कबूल करते, अच्छी बात है, नहीं कबूल करते किस पे जबरदस्ती नहीं। अगर कोई इस्लामिक मुल्क में कोई भी चर्च है या टेंपल है उसे डिस्ट्रॉय करने की इजाजत में अनलेस वो कोई फितना कर रहा है, इसे उसूल है, तो फितना करे तो अलग बात है। तो एक इस्लामिक मुल्क में सबसे ज्यादा महफूज है मुसलमान। और मैं मिसाल देता हूं, मेरी जान में से आ रहा मलेशिया, मलेशिया में हिंदू 6% है, 6.3% 6.3% है। आप कंपेयर करेंगे बिटवीन इंडिया, जिस तरीके से इंडिया माइनॉरिटी मुसलमानों को ट्रीट करता है, हम 14.3% अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट, वहां मलेशिया में 6.2%। लेकिन जिस तरीके से मलेशिया हिंदू लोगों को ट्रीट करता है, इतने अच्छी तरीके से, इतने उनको राइट्स दिए, एक मिसाल है। मैं पाकिस्तान के बारे में कह नहीं सकता क्योंकि रहता नहीं, मैंने कहता पाकिस्तान अच्छा सलूक करता है, मैं अच्छा सलूक करता हूं, मुझे हक नहीं बोलने का क्योंकि मैं जानता नहीं। लेकिन मलेशिया में जहां रहता हूं मैं जानता हूं, इतने राइट्स हैं उनके पास, इतने हुकूम दीजिए। तो इस्लाम के अंदर गैर मुसलमान महफूज है, सिर्फ इतना नहीं करना चाहिए कि कुरान कहते हैं फितना इज वर्स देन मुकतर से और खराब है। तो अगर आप फॉलो करते हैं जो उस इस्लामिक मुल्क का कानून है, तो गैर मुस्लिम सिर्फ गैर मुस्लिम होने की वजह से उन्हें कोई भी अटैक नहीं कर सकता है, और करता है तो गलत है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। डॉक्टर साहब माशाल्लाह।